साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक दफा फिर अदलिया और परवेज मुशर्रफ पर तनकीदी निश्तर बरसाने लगे। जाती उम्र में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा की मुशर्रफ बुज़दिल इंसान है जो बहाना बनाकर बाहर बैठा है। हम मुशर्रफ को बहुत जल्द कटहरे में लाएंगे, अगर वो बहादुर है तो मुल्क में आकर केसेस का सामना करे। इस मौके पर वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मोहसिन शाह नवाज रांझा ने मेयर सरगोदा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का 31 दिसंबर को होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया है जो अब 6 जनवरी को होगा। जो जलसा 31 तारीख को होना था अब वो जलसा 31 तारीख की बजाय 6 तारीख बरोज हफ्ता उसी काम पर और उसी वक्त इंशाल्लाह ताला वो जलसा होगा। मोहसिन शाह नवाज का मजीद कहना था कि जलसे में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी, जबकि किसी भी अवामी जलसे में उनकी ये पहली शिरकत होगी। मोहसिन शाह नवाज ने पीर हमीदुद्दीन के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नजरियात और अकायद का इख्तलाफ है लेकिन वो काबिले एहतराम है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज साहिबा पहली दफा किसी सियासी जलसे में शिरकत करेंगी। पीर साहब जो है वो काबिले एहतराम है हमारे लिए, लेकिन नज़रिया और अकीदत जो दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, नज़रियात एक अलहदा चीज़ है और अकीदत एक अलहदा चीज़ है। नमाज जुमा के बाद महफिल मिलाद के मौका पर बेगम कल्सूम नवाज की सेहत याबी और मुल्की सलामती के लिए भी खसूसी दुआ करवाई गई, जहां पार्टी रहनुमाओं के साथ कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन काशिफ जवाद के साथ नासिर भट्ट, जाग, लाहौर।